दोस्तों, शिल्प रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हैदराबादी दम बिरयानी बनाकर दिखाऊंगी और मेरा वीडियो लास्ट तक जरूर जरूर देखें। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट भी करें। चलो आओ, मैं आपको वेज बिरयानी बनाकर दिखाती हूँ। चलो अब मैं बिरयानी बनाना शुरू करती हूँ। ये मैंने सामग्री जो ली है वो दिखाती हूँ। ये मैंने 8 आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के, जो मैंने 2 टुकड़ों में किए हैं। और ये 3 शिमला मिर्च ली है और जो इस आकार के टुकड़ों में काटी है। और ये बीन्स ली है और ये पाव भर पनीर है, ये मैंने टुकड़ों में काट के रखा है। ये गोभी और ये मटर, ये 5 टमाटर लिए हैं, जो ज़्यादा छोटे नहीं काटना है, इस टुकड़ों में काटना है। ये बारीक प्याज काटी है और ये 5 प्याज हैं जो टुकड़ों में काटी, एक प्याज में 4 टुकड़े किए हैं। और ये कॉर्न लिया है जो बॉयल करा हुआ है, फ्रोजन कॉर्न है। ये मसाले हैं जिसमें लौंग, इलायची, तेज़पत्ता और ये लौंग, दालचीनी की लकड़ी और 2 साबुत मिर्च। और ये तेज पत्ते लिए हैं, ये गरम मसाला है, ये धनिया, मिर्च और हल्दी पाउडर है। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है और ये बिरयानी मसाला है। इसमें तेल डाल के आलू को फ्राई करना है। तेल अपने हिसाब से डाल सकते हो। फिर इसी तेल से हम सब्जी बनाऊंगी इसकी, बिरयानी की। इनको मैं निकाल लेती हूँ और दूसरे आलू जो और बचे हैं उनको भी फ्राई करती हूँ। अब मैं जो कटी हुई प्याज है बारीक वाली, उनको भूंजूंगी। इनको भी भून लेती हूँ। इनको प्याज को जब तक भूनना है जब ये सुनहरे कलर के प्याज हो जाएं। अब ये प्याज भुन चुका है, बहुत ही अच्छा भुन गया है प्याज। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। अब इसमें ये पनीर को भी फ्राई करूँगी। अब ये पनीर भी फ्राई हो चुके हैं, अब इनको निकाल लेती हूँ थाली में। मैं इसी ऑयल को कुकर में डालूंगी जिससे मैं मसाला बनाऊंगी। ये देखिए, इसमें ये मसाले डालती हूँ जिसमें लौंग, इलायची और दालचीनी की लकड़ी, जीरा और 2 साबुत मिर्च। अब इसको मैं हल्के से भून लेती हूँ और गैस को धीमी रखना है। अब इसमें ये 4-5 मिर्च हाफ आप काट लिए हैं हाफ टुकड़ों में, इनको भी मैं तलती हूँ इसी तेल में। अब ये मसाले भुन गए हैं। अब इसमें मैं जो एक प्याज के टुकड़े रखे थे इनको भूनूंगी। अब इसमें 1-2 तेज पत्ता भी डालते हैं और गैस को धीमी ही रखना है। देखिए, आप देख सकती हैं प्याज कितना अच्छा भुन गया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें ये मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूँगी, इसको भी मैं इसी में अच्छे ढंग से भूनती हूँ। अब इसमें हल्दी, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर जो कि 2-2 स्पून है, टेबल स्पून। और ये गरम मसाला है, वो भी 1 स्पून है, 1 स्पून। अब ये बिरयानी मसाला है जो मैंने 2 पैकेट लिए हैं। अब इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, ये धीमे धीमे भूनना है, पानी बिल्कुल ही नहीं डालना है इसमें। अब ये टमाटर डालूंगी और ये गोभी और मटर, इनको भी डालती हूँ। और ये शिमला मिर्च और बीन्स,
इनको भी मिला देती हूँ, अच्छे ढंग से मसाले मिल जाएं, इनको अच्छे ढंग से मिला देती हूँ। इनको ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि मसाला भुन चुका है। अब ये कॉर्न भी डाल देती हूँ जो फ्रोजन कॉर्न है। सब्जियों को अच्छे ढंग से मिलाना है जो मसाला ठीक ढंग से सब्जियों में लग जाए अच्छे ढंग से। बिरयानी मसाला दूसरा पैकेट जो था वो भी डाल दिया है। हाँ, इसको मैं डालती हूँ एक नींबू को, इसका रस निचोड़ के। अब इसको भी अच्छे ढंग से मिला देती हूँ। और इसमें ये मैंने आधा केजी दही फेंट के रखा है, उसको डालती हूँ। ये घर का ही जमा हुआ दही है, पर एक बात ध्यान रखना है कि इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, इसी से सब्जी को बनाना है। और ये थोड़ा चलाते रहना है, नहीं तो दही फट जाता है, दही को फटने नहीं देना है। अब ये जो फ्राई करे हुए आलू हैं इनको भी डालती हूँ, इनको भी अच्छे ढंग से मिला देती हूँ। ऊपर से इसमें अच्छे ढंग से एक एक करके पनीर को लगाना है जिससे पनीर फूटे नहीं। अब इसमें स्वादानुसार नमक को डालना है। अब इसको 5 मिनट के लिए धीमी आंच में पकने के लिए छोड़ देती हूँ ढक के। और इधर तब तक पानी को बॉयल करने के लिए रखा है। देखिए पानी इस तरीके से बॉयल होना है। अब इसमें 2 स्पून घी को डालना है और इसमें तेज पत्ते। ये पानी तो जितना भी डाल सकते पानी निकल जाता है, वैसे इसमें 2 लीटर पानी पड़ा है। अब ये चावल धुल के रखे हैं, अब इनको डालना है। अब इनको 5 मिनट पकाना है, 20% ही पक जाए बस। अब ये 20% पक गए, अब इन्हें हम छलनी में छान लेते हैं, पानी को निकाल देते हैं पूरा। ध्यान रहे कि 20% ही पकाना है इनको, बाकी का हम दम लगाएंगे तब 80% पक जाएगा। अब इसको मैंने पतीले को लिया है, अब इसमें मुझे घी की लेयर बिछानी है पतीले में। इस ढंग से घी को लगाना है पतीले में। अब इस पर सब्जी की लेयर लगानी है, अच्छे ढंग से सब्जी की लेयर लगानी है। अब इस पे चावल की लेयर लगानी है। अब ये भुना हुआ प्याज जो मैंने फर्स्ट में भून के रखा है वो इस पे बिछाना है, डालना है प्याज को। इस तरीके से प्याज को डालना है और इस पे घी डालना है 2 स्पून। अब इसके बाद फिर से सब्जी की लेयर डालनी है, लगानी है अच्छे ढंग से। अब इसमें धनिया पत्ती को अच्छे ढंग से डाल देना है, और नीचे जो सब्जी का लेयर बिछाया था उसमें भी डाल सकते हो, पर मैंने नहीं डाली। अब इस पे फिर से चावल की लेयर बिछानी है। ये ध्यान रखना है कि चावल पानी में खौला के 20% ही पकाना है, खौलते हुए पानी में।
चावल ज़्यादा पक जाएगा तो बिरयानी ठीक नहीं बनेगी। अब इस पे भुना हुआ प्याज उसको भी डालना है। अब इस पे घी डालना है। अब इस पे आटा गीला करके किनारे किनारे से आटा को लगा देना है, जिससे क्या होता है कि गैस इसकी बाहर ना निकले बिल्कुल। जो इसमें भाप है वो बिल्कुल बाहर ना निकले, भाप बाहर निकल जाएगी तो इसकी जो खुशबू है वो निकल जाएगी, इसलिए इसकी भाप को बिल्कुल बाहर नहीं निकलने देना है। इसलिए इसमें ये आटा का परत लगा देना है। अब इस पे थाली अच्छे ढंग से ढक देनी है, जो आटे पे चिपक जाए, जिससे क्या होगा बिल्कुल भाप बाहर नहीं निकलेगी। अब गैस को ऑन करना है, उस पे तवे को रखना है और तवे के ऊपर इस पतीले को रखना है, क्योंकि डायरेक्ट गैस को गैस पे नहीं रखते हैं, नहीं तो जल जाएगी, पकेगी नहीं अच्छे ढंग से। इसलिए इसको तवे पर रख के पतीले को रखना है। अब इसको 45 मिनट तक के लिए छोड़ देना है पकने के लिए। अब ये 45 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको खोल के देखती हूँ। वाह, बहुत ही अच्छी बिरयानी बन के तैयार है। अब ये आटे को मैं निकाल देती हूँ। बहुत ही यमी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है बिरयानी में। अब इसको मैं आराम से धीमे धीमे आटे को निकाल देती हूँ। बहुत ही अच्छी हैदराबादी दम बिरयानी बन के तैयार है। देखिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी बिरयानी बनी हुई है। देखिए ये वेज बिरयानी बनकर तैयार है, हैदराबादी दम बिरयानी बहुत ही अच्छी और बहुत ही यमी है। इसके साथ हरी धनिया की चटनी बहुत ही, और देखिए एकदम खिले हुए चावल हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। अब मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।